हर हर महादेव। एक सज्जन ने प्रश्न किया हुआ है ना, पर वो नाम इत्यादि नहीं लिखा उन्होंने। गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। मेरा प्रश्न है कि हमें ये जो प्रणव लगा करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए या सिर्फ नमः शिवाय मंत्र जप करना चाहिए? कई लोग ऐसे बोलते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं, शास्त्रीय प्रमाण क्या है? तो देखिए, ऐसा है कि प्रणव नाम रखा ही इसीलिए गया है ताकि अगर किसी को बतलाना हो तो वो ओंकार न कह करके यूं कहे कि प्रणव का मैं उच्चारण कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये इनको लिखना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपना वर्ण और अपनी आश्रम की स्थिति तो नहीं लिखी, तो पता चलता। मुख्य बात यह है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा, स्त्रियों का, शूद्रों का और यज्ञोपवीत जानी जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है ऐसे ब्राह्मणों का भी, ऐसे क्षत्रिय और वैश्यों का भी ओंकार बोलने में, गायत्री मंत्र बोलने में, वेद के संबंधित किसी भी वैदिक कर्म करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं है। ये है। तो आजकल लोग यज्ञोपवीत तो गिने चुने ही लोग करा रहे हैं, ब्राह्मण लोग भी जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, यज्ञोपवीत की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और स्त्री शूद्र भी जो है इस पंचाक्षरी शिव मंत्र का जप या गायत्री मंत्र का जप या और भी कोई ऐसे मंत्र हैं जिनमें प्रणव लगा हुआ है, ओंकार लगा हुआ है, ऐसे मंत्रों का जप करने में अधिकृत नहीं है, उन्हें इन मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। देखिए शास्त्रों में लिखा है, कुलारणव तंत्र का वचन है कि बिना ही प्रणवम मंत्र स्त्री शूद्राणाम प्रकीर्तितः प्रणवेन समायुक्तास तन मंत्रास्य विशोपमाः। ना इनको जो है बिना ही प्रणव मंत्र, प्रणव रहित ओंकार रहित मंत्र ही स्त्री और शूद्र इनको बोलना चाहिए। प्रणव युक्त मंत्र तो इनके लिए विष के समान है। और देखिए दूसरे जगह का, स्वाहा प्रणव संयुक्तम मंत्रम शूद्रे ददे द्विजः। यदि कोई ब्राह्मण लोग स्त्री शूद्रों को, अनुपनीतों को स्वाहा या ओंकार ये वैदिक पदों से युक्त कोई मंत्र यदि देता है और उनको बोलने के लिए बतलाता है, प्रेरित करता है, तो वो शूद्रश्च चांडाल तामेति। वो जो शूद्र जो जप करता है वो शूद्र तो वो चांडाल हो जाता है, वो शूद्र भी नहीं रहता है। स्त्री शूद्र ब्राह्मण कोई अनुपनीत जप करता है तो वो चांडाल तामेति और विप्र शूद्रत्वमेव ही। और जो बदलाने वाला ब्राह्मण है वो भी शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है, इसलिए दोनों को ही हानि है, बतलाने वाले और करने वाले को। प्रणव युक्त मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए मंत्रों का कीर्तन हो रहा है मंचों से, समझ जाना ये मंत्र क्या कह रहा है, क्या ये शास्त्र प्रमाण है। और वो लोग ऐसा करने वाले मंच पर बैठे हुए, भले ही हो सकता है आप लोगों के गुरु हों, गुरु आपने बना लिए हों, यद्यपि ऐसे गुरुओं को त्यागने के लिए हमने निर्देश किया हुआ है, शास्त्र के अनुसार वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और ओंकार से युक्त मंत्रों को बोलने के लिए एक और प्रमाण सहित वीडियो पहले हो चुका है, उसको भी आप सुने, अवश्य सुने। तो ये कहने का तात्पर्य है कि मंचों से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय संगीत में और जो है ध्वनि कीर्तन करने वाले और लोगों से कराने वाले, इसी तरीके से वासुदेव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी ओम नमो भगवते बड़े तर्ज में जो है गान हो रहा है। ये गाने वाले और वो साथ में गाने वाले वे सब लोग अपना अपना टिकट जो है तैयार रखिएगा, कहाँ जाने का वो तो आपको पता ही है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रणव वाले मंत्रों को नहीं बोलना चाहिए। और तो और देखिए हिंदी के किसी भी संकीर्तन में जब जो है पूरे मंत्र को ही गाने का निषेध कर दिया गया, प्रणव किस मंत्र के आगे लग सकता है, उस मंत्र में भी तो उतनी शक्ति होनी चाहिए।
हर किसी के आगे प्रणव नहीं लगता, हर किसी मंत्र के आगे व्याहृति नहीं लगती है ना, भू भव स्वः ये व्याहृति है, तीन महाव्याहृति है, सप्त व्याहृति है, और भी व्याहृतियां हैं, उन व्याहृतियों का हर देवता के आगे, हर देवता के नाम मंत्र के आगे जो है, हर मंत्र के आगे प्रयोग नहीं होता है इनका, जो है कोई ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है ये, इनमें जितनी शक्ति है, विद्युत अग्नि में जल में कितनी शक्ति है, ये जीवन है, जल जीवन है, अग्नि जीवन है, आजकल तो ये लाइट विद्युत ये यद्यपि अग्नि का ही रूप है, ये जीवन बना हुआ है, लेकिन इसका जो व्यवहार कोई गलत करता है, आज बाढ़ आ रही है जगह जगह पर, उसमें कोई फंस जाता है, पता चल जाता है, लाखों आदमी एक साथ समाप्त हो जाते हैं, अग्नि भीषण अग्नि लग जाती है, तो वो जो जीवनदायिनी अग्नि है, जो पेट के अंदर गत भी रहती है, बाहर भी हमें जो है जीवन देती है, वो यदि बढ़ जाए तो वह शांत आदमी, विद्युत का जो है वो नियम पालन ना हो, कुचालक तत्व को हटा करके सुचालक तत्व से सीधा सीधा संपर्क हो जाए, तो बस आपका भी सीधा संपर्क हो जाएगा। इसी तरीके से इनसे भी घातक, इनको भी उत्पन्न करने वाले ये बीज मंत्र और प्रणव इत्यादि, इसलिए इनसे सदा सावधान रहना चाहिए, इनके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक जन्म में ही नहीं, ये शरीर तो अभी बदल जाएगा, लेकिन ये जन्म जन्मांतर पुण्य पाप चलते हैं, ये पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए किसी भी हिंदी मंत्र में लोग जो आजकल माताएं बहनें सब लोग भी लिख करके भी आने लग गया है, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती करते हैं, इसके आगे ओम है, ध्यान देना, जय जगदीश हरे गाना है, प्रणव को नहीं गाना है। और भी कई मंत्रों में जो है लोग प्रणव का ओंकार का उच्चारण करते हैं, वो बिल्कुल सर्वथा गलत है, ध्यान देना। कई लोग ओम प्रकाश, ओम नारायण, ओम द्विवेदी नाम रख लेते हैं, ये सब गलत है। नाम कैसा रखना चाहिए, कौन से अक्षर से शुरू होने वाला होना चाहिए, कितने अक्षर नाम में होना चाहिए, घोष अक्षर हो या नहीं हो, अघोष अक्षर कहाँ हो, स्पर्श वर्ण हो कि अंतस्थ हो, कि तद्धितांत हो, कि कृदंत नाम हो, कृत प्रत्ययांत, ये सब जो है कि संज्ञा वाला के सर्वनाम वाला, इन नामों की रखने की परंपरा है, कैसा नाम रखा जाए इसके ऊपर हमारा दूसरा वीडियो, उसको देखिएगा नाम कैसा रखा जाए, अन्यथा ऐसे प्रणव वाले नाम नहीं लेना है, क्योंकि जिसके कारण से कोई व्यक्ति अनधिकारी व्यक्ति भी तो बुलाएगा उस बालक को, कि आप ही बुलाएंगे, आप भले अधिकारी हो, लेकिन अधिकारियों को अनधिकारियों को, वैदिक कर्मों के अधिकारी या अनधिकारियों, किसी को भी पुत्र का प्रणव युक्त नाम नहीं रखना चाहिए, ना ही ऐसे संकीर्तन करना चाहिए जिनमें प्रणव हो, ना ही ऐसी आरती गाना चाहिए जिसमें प्रणव हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि, या ये जो है द्वादश अक्षर मंत्र है, इसका भी जब स्त्री शूद्र और यज्ञोपवीत धारण न करने वाले ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ब्राह्मणों को सब अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों को भी अधिकार नहीं है, यदि कोई ब्राह्मण जो है वो आशौच लग जाता है, किसी को सूतक हो जाता है, भले ही वो यज्ञोपवीत पहनता है ना, जनना शौच या मरना शौच, तब ओंकार प्रणव का उच्चारण करना निषिद्ध है, और कोई भी कितना भी पवित्र ब्राह्मण हो है ना, उसको भी केवल ओंकार, आजकल स्त्रियां बैठ करके यूं करके ओम की ध्वनि बोलती हैं, ये गलत है, संगीत चला करके करते हैं, ये घातक है, शास्त्रों में बड़ा निषेध किया गया है, समझ रहे, जो करने वाले कराने वाले सब चांडालत्व को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ब्राह्मणों का भी अधिकार नहीं है, केवल सन्यासी परिव्राजक का केवल ओंकार बोलने में अधिकार है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अधिकार अनधिकार की बड़ी चर्चा है, पूरी प्रकृति अधिकार और अनधिकार के अंतर्गत चलती है, लेकिन लोग और जगह तो व्यवहार करते हैं, लेकिन जो धर्म के मामले में कहते हैं भाई सबका अधिकार है, सबका अधिकार है, कुछ कलयुग का प्रभाव है, कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, इस कारण से इनको जो है भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल इसका जो है परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए सावधान रहें। माताओं से, बहनों से और भाइयों से सबसे निवेदन है कि जो जो जिसके अधिकारी हैं वो ही ऐसा करें, अन्यथा आपको हानि हो जाएगी। स्कूलों में गायत्री मंत्र बुलवाया जा रहा है, ये सब निषिद्ध है, सब निषेध है, इसको कौन कहेगा, सब लोग हाँ गायत्री मंत्र बोलेंगे, ये बोलेंगे, अरे वो घातक है। जिस तरीके से अगर आप कोई भरी हुई गन
बच्चों के हाथ में नहीं दे सकते, है ना। कोई जो है आपके पास में पिस्टल इत्यादि है और भरी हुई है और नादान बच्चों को दो दो दे दो, कई जगह ऐसा हो गया है, आपको सुना होगा, चला दी, तो उनसे भी घातक ये अनंतानंत ब्रह्मांडों को हिला देने वाले ये मंत्र हैं और इनका दुरुपयोग होता है तो फिर क्या होता है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पाशुपतास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मशिरास्त्र, जिन अस्त्रों की चर्चा शास्त्रों में, वो व्यक्ति की परीक्षा करके बिल्कुल कि हाँ ये जो कितना भी उत्तेजित करने पर, कितने भी कष्ट आने पर भी स्वयं के लिए इन अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, तब वे अस्त्र अधिकारी को दिए जाते थे। कोई विशेष परिस्थिति पर या धर्माधर्म के निर्णय पर तब वो अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। इसी तरीके से वो सब मंत्र गायत्री मंत्र से ही संचालित होते थे, लिखा हुआ है, वैदिक मंत्रों से ही संचालित होते थे। धनुर्वेद यजुर्वेद का ही उपवेद है, तो इन सबकी चर्चा है, लेकिन आजकल सबका समय अधिकार करके लोगों ने इस मर्यादा को ध्वस्त किया है, इसका भी परिणाम अवश्य भोगेंगे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इसके प्रति आप सावधान रहें, इन बातों को अन्यथा न लें, किसी छोटे में न लें, बिल्कुल संज्ञान में लेकर के इनका अनुसरण अवश्य करें। और जो लोग चाहते हैं कि हम तो मंत्र का जप करते थे तो अब हम क्या करें, तो उनके लिए ऐसा है कि शिवाय नमः नाम में चतुर्थी लगा करके नमः अंत में चला जाएगा, जैसे उसमें तो नमः पहले है, ऐसे ही भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र में सब किसी का अधिकार है, सब माताएं बहनें, सब जाति में, सब वर्ण में, बच्चे, सब आश्रमों में, सब लोग बोल सकते हैं। इसलिए शिवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों को बोलिए, इन मंत्रों का कीर्तन भी करिए, प्रणव मत लगाइए। हर हर महादेव।